नमस्कार दोस्तों, मैं विलास तुलकोड़े और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के जिला बालाघाट के लांजी से। ग्राम साडरा में हैदराबाद से लांजी की ओर आ रही बस ने भीड़ को रौंदा, 3 लोग जख्मी, 1 की हुई मौत। बालाघाट लांजी नगर मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम साडरा में एक यात्री बस ने सड़क किनारे भीड़ को रौंद दिया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए, वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक कृष्णा ट्रेवल्स की बस वाहन क्रमांक CG08/AN8194 हैदराबाद से लांजी की ओर आ रही थी। इसी दौरान ग्राम साडरा चौक में यह यात्री बस अनियंत्रित होकर एक किराना दुकान में जा घुसी, जहां लक्ष्मी रणदीवे, नंदलाल लिल्हारे और टेकचंद नागपुरे इस घटना में घायल हुए। वहीं इसुलाल बलहरे नामक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं घायलों को सिविल अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने उक्त बस पर पत्थर बरसाना शुरू किए। वहीं इसके मद्देनजर मौके पर पहुंची लांजी पुलिस के द्वारा भीड़ को नियंत्रण कर मामले को शांत कराया गया। बहरहाल मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए लांजी किरनापुर से भीमराव डोंगरे की रिपोर्ट। कहाँ पर हुआ एक्सीडेंट? साडरा में। कैसे हुआ? इधर हम गाँव खुल गए, बस आओ फिर। अच्छा, हम तीन लोग बैठे रहे। हाँ, एक लोग मर गया, खत्म हो गया था। ये जो मरा उसको पहचानते हो आप? मालूम नहीं, वो सिंगुला क्या मैं साथ साथ में बैठे रहे। अच्छा, तो साइकिल जिसे, हाँ साइकिल ऊपर गिर गए। अच्छा, भारत के 10 राज्यों में तेजी से बढ़ रहे आपके अपने वेब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाए अपने आसपास की तमाम मुख्य खबरें अपने ही मोबाइल पर, क्योंकि सुप्रीम पावर करता है मुद्दों की बात, जिनसे है जनता का सीधे सरोकार। समझौता नहीं, पहल चाहिए।